तो हेलो दोस्तों, मैं आरएफ अभी शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे एक और नई जर्नी में। दोस्तों आज की जो हमारी जर्नी है वो होने वाली है उत्तराखंड के देहरादून से चलकर नई दिल्ली तक। और अभी जो मैं देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ और आज जिस ट्रेन से हम यात्रा करने वाले हैं उस ट्रेन का नंबर है 12056 जो कि डेली रन करती है देहरादून से चल के नई दिल्ली तक। तो पहले जो आपको यहाँ का इंटीरियर है जो मतलब स्टेशन में सुविधा वगैरह मिलेंगी आपको पहले वो दिखा देते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन भी मुश्किल से 20-25 मिनट में लगने वाली है। उसमें लोको जो है सेंट्रल लोको लगा दिया गया है। और तो पहले आपको स्टेशन का इंटीरियर दिखाते हैं, फिर मिलते हैं डायरेक्ट ट्रेन लगने के बाद। जब आप स्टेशन पर आओगे, इधर साइड में स्टेशन है तो स्टार्टिंग में यहीं से कर देता हूँ। यहाँ सामने में आपको जो है चाय पानी की और वैसे दुकान मिल जाएंगी, इधर आप चाय वगैरह पी सकते हो। और यहीं जो है सेकंड क्लास की बुकिंग और वेटिंग हॉल के लिए भी जो मतलब जगह है वो इधर मिल जाएगी। तो यहाँ होती हैं टिकट बुक, इधर बुकिंग होती है और यहाँ पे हमारा जो वेटिंग हॉल है वो है। सामने में आपको बाथरूम वगैरह जाना है तो पे करो, पैसा वैसा देना होगा और उसके बाद जो है आप बाथरूम जा सकते हो। बाकी ये जो वीडियो शूट हो रहा है अभी फ़िलहाल, ये वीडियो शूट हो रहा है हमारे AZ1 एक्शन कैमरा से जो कि मैंने अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले ही लिया था। तो मेरे को स्टेबिलिटी, आवाज़ मतलब नॉइस कैंसिलेशन कैसा है, स्टेबिलिटी और वाइड एंगल है या नहीं, क्योंकि मोबाइल से तो बेटर ही इतना मैं जानता हूँ। तो ये तीनों चीज़ें मेरे को बताना कि आपको कैसी लगी, मतलब कुछ मोबाइल से बेटर है या नहीं, पुरानी वीडियो से अच्छा है या नहीं। बाकी यहाँ आपको जो है टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, टैक्सी और ऑटो स्टैंड। ये देखो धीरे धीरे जो ऑटो आने लग गए हैं अभी और थोड़ी थोड़ी पब्लिक भी आने लग गई है। और ये है हमारा यहाँ का मेन गेट, तो मैं आपको जो है एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये है इधर का मेन गेट जहाँ से कि आप अंदर एंटर होंगे, और एंटर होने के बाद आपको सामने में मिल जाएगा उधर टिकट काउंटर। और ऊपर में ये पूरी एक LED है जो कि छोटे छोटे स्क्रीन से बनी हुई है, इस पर एडवर्टाइजमेंट भी होता है। और यहाँ हमारे नरेंद्र मोदी जी का स्टैचू भी है, साफ़ सफाई से रिलेटेड है। इधर जो है करंट रिजर्वेशन होता है तत्काल वगैरह का, और ये पूछताछ है। और इधर हमारे जो फौजी भाई हैं उनके लिए का अलग से काउंटर है। तो आज जो हमारी ट्रेन है वो आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और अभी जो है वो सामने खड़ी हुई है साफ़ सफाई वाले एरिया में खड़ी है। ये है इधर का प्लेटफॉर्म नंबर 2। पहले मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिखा देता हूँ, और जो हमारी ट्रेन है उसके लिए नहीं अभी दूसरी आ रही है। तो ये है इधर का प्लेटफॉर्म नंबर 2 और सामने में है प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो यहाँ पर जो है आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए, मैं बता देता हूँ। ये है इधर का 1 नंबर प्लेटफॉर्म। अगर आप बाहर से ही आना चाहते हो और आपको डायरेक्ट अदर प्लेटफॉर्म पर जाना है तो मैं आपको इधर से ही दिखा देता हूँ। ये बाहर से ही सामने से रास्ता आ रहा है और यहाँ पर से जो है सीढ़ी कटी हुई है, तो इधर से आप ऊपर जा सकते हो। और दूसरा जो ऑप्शन है वो प्लेटफॉर्म बाई प्लेटफॉर्म से, मतलब ये ही इंटरकनेक्ट है नीचे से। और जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा भी बता देता हूँ, एक सेकेंड। जो तीसरा हमारा ऑप्शन है वो है जहाँ पर ये ट्रेन स्टेशन अभी आगे चल के एंड हो रहा है, जो हमारा देहरादून है उसमें जो जितनी भी ट्रेन होती है वो यहाँ अगर ख़त्म हो रही है यहाँ से आगे नहीं जाती। एक सेकेंड, इसका नाम क्या है, काठगोदाम एक्सप्रेस सुबेदारगंज से देहरादून। अभी जैसे ये लग रही है देहरादून लगेगी, सुबेदारगंज से आई है, ठीक है, ये लो पढ़ लो। अभी क्या है इसका लोको रिवर्सल होगा, इसमें बैक साइड में लोको लगाकर इसको यहाँ से रवाना कर देंगे जब भी इसका टाइम होगा। अब क्या है आगे में जहाँ ये लोकोमोटिव रुकेगा ना उसके आगे में एक रास्ता बनाया हुआ है पतला सा, उधर से भी आप जो अपने प्लेटफॉर्म वगैरह चेंज कर सकते हो। सूत्रों से पता चला है कि काठगोदाम आने के बाद हमारी जो जनशताब्दी है जो कि अभी जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 के लिए, और अभी ये रिवर्स होकर आएगी तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो है ये ट्रेन लगी हुई थी इधर, तो अब हमारी जो ट्रेन है वो सामने वाले प्लेटफॉर्म पर आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो चलो कोई बात नहीं, 2 पर दोबारा पहुँचते हैं।
तो अभी जो है हमारी ट्रेन को लगाया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। एक्चुअल में 3 नंबर पर लगनी थी, लेकिन सामने वो ट्रेन खड़ी हुई है जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो ये जो है 2 नंबर पर लग रही है, और इसमें जो हमारा कोच है वो होने वाला है D7। तो पहले इसको लगने देते हैं, आपको लोकोमोटिव वगैरह दिखाते हैं। ट्रेन है वो लग चुकी है अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो धीरे धीरे मतलब बोर्ड होने लग गए हैं अपने अपने कोचेस में अपने अपने सीट पर। तो हम भी चलते हैं, हमारा जो कोच है वो लास्ट 3rd है D7, क्योंकि इसमें एक SLR भी है तो वो लास्ट 3rd ही हुआ। बात करें इसमें कोच पोजिशन की, तो इसमें आपको चेयर कार और सेकेंड सीटिंग की सुविधा मिलेगी, मतलब कोचेस की सुविधा मिलेगी। और इसमें जो चेयर कार है उनके 4 कोचेस हैं, बोले तो ये जो AC चेयर कार होते हैं इनके 4 कोच हैं, और जो हमारे सेकंड सीटिंग के कोचेस हैं वो 9 कोच हैं, और एक आपको SLR मिलेगा। दोस्तों ये है हमारा D7 कोच जिसमें कि हमारी यात्रा होने वाली है, आपको दिखाता हूँ इधर से। तो ये है हमारा कोच जिसमें कि आज जो हमारी पूरी यात्रा होने वाली है एंड टू एंड। तो चलिए दिखाते हैं इस कोच का इंटीरियर, इधर से ही चलते हैं। अपनी जो सीट है वो थोड़ा नज़दीक हो जाएगी ना, नज़दीक तो नहीं होगी, पूरा कोच का रिव्यू भी दिखाना है। तो हमारी जो सीट है कुछ इस तरीके का आपको इधर सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा, 3:3 का। और आज जो हमारी सीट है वो है 97 नंबर विंडो साइड। तो ये है हमारा विंडो साइड सीट। तो दोस्तों बात करें अपने ट्रेन के शेड्यूल की, तो ये जो ट्रेन है पहले मैं न्यू दिल्ली का बताया था, न्यू दिल्ली से चलती है 3:20 पर दोपहर में, और यहाँ पर पहुँचती है 9:10 रात को, और यहाँ से फिर अगले दिन रिटर्न ये जाती है न्यू दिल्ली के लिए सुबह पाँच बजे चलती है, और 6:05-10 में, ये कन्फर्म नहीं है, 5-10 में, करीबन 11:05-11:10 तक ये जो ट्रेन है रिटर्न दिल्ली पहुंच जाती है। और इस ट्रेन की जो रेक शेयरिंग होती है वो होती है हमारी 120/57 और 120/58 दौलतपुर चौक जनशताब्दी के साथ में, जो कि चंडीगढ़ होते हुए दौलतपुर तक जाती है। तो अभी हम जो जा रहे हैं वो जनशताब्दी में जा रहे हैं, मतलब ये जो देहरादून जनशताब्दी है इसमें जा रहे हैं। जब ये न्यू दिल्ली पहुंच जाएगी तो न्यू दिल्ली के बाद में इसको दौलतपुर भेजेंगे, और जो दौलतपुर से आ रही है उसको रिटर्न यहाँ पे देहरादून के लिए भेज देंगे। ये कुछ इस तरीके से इसको रन कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, इसका जो टाइमिंग है अभी यहाँ से डिपार्चर का भी टाइम हो चुका है, 2 में डिपार्ट हो रहा है, तो मिलते हैं डायरेक्ट डिपार्चर पर। तो हमारी जो ट्रेन है उसने हॉन्ग कर दिया बिल्कुल राइट टाइम करेक्ट 5, और TT साहब ने मतलब गार्ड साहब ने पीछे से सीटी बजाकर अलर्ट कर दिया सभी को कि भाई ट्रेन में जो है बोर्ड हो जाओ। आ गई आवाज, तो बिल्कुल राइट टाइम जो है डिपार्ट का हॉर्न बजा दिया है। बाय बाय देहरादून, मिलते हैं फिर कभी एक अच्छी सी जर्नी के साथ। तो राइट टाइम जो है अपना डिपार्ट तो हो गया, बाकी बात करें इस ट्रेन के टोटल डिस्टेंस की, तो ये जो ट्रेन है टोटल 305 किलोमीटर कवर करती है 5:50 में, डायरेक्ट बोलो 6 में कवर करती है 305 किलोमीटर को। और रही बात इसमें खाने पीने की, तो इसमें आपको ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा जो है वो देखने को मिल जाएगी, मतलब देखने को ही नहीं खाने पीने को ही मिल जाएगा। ओवर प्राइस देते हैं 139 जिंदाबाद, कभी भी अगर ओवर प्राइस दें ये कह देंगे भाई हम पे खुले नहीं है, 139 पे कंप्लेन कर देना भेजे जाकर। और इसका जो पहला होल्ट है वो है हरिद्वार, तो आपसे जो है डायरेक्ट मुलाकात होगी हरिद्वार में। लेकिन आपको अगर किराए से रिलेटेड कोई शंका है तो मैं आपको किराए का भी बता देता हूँ, इसमें
जो सेकंड सीटिंग है उसका टोटल एंड टू एंड जो जर्नी का किराया वो है करीबन 165 रुपये का, वहीं चेयर कार का जो किराया है वो है 535 रुपये का पूरा एंड टू एंड देहरादून से न्यू दिल्ली, और अगर न्यू दिल्ली से देहरादून आ रहे हो तो भी सेम ही रहेगा। और इसमें जो कोच पोजीशन है जैसा कि मैंने आपको पहले बताई थी, चार इसमें चेयर कार के कोचेज़ हैं और सेकंड सीटिंग के इसमें 9 कोचेज़ हैं, एक SLR है। और बात करें अपने ट्रेन के टोटल हॉल्ट के, तो इसके जो टोटल हॉल्ट हैं वो पूरी यात्रा में 7 हॉल्ट हैं, और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 52 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर। और जिस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है वो है हमारी 110 किलोमीटर पर आवर, अफसोस हो रहा है थोड़ा, 110 किलोमीटर पर आवर 130 के ज़माने में, चलो कोई बात नहीं करेंगे। पर थोड़ी ठंड है भाई, अभी हरिद्वार में एंटर हुए हैं और यहाँ पर थोड़ी ठंड लग रही है, इधर भी थी देहरादून साइड में भी थी और यहाँ पर भी है। तो यहाँ देखो पहाड़ों के ऊपर में घर बने हुए, चार मिनट की देरी से कवर करते हुए हमारी जो ट्रेन है वो अपने पहले हॉल्ट पर आ चुकी है जो कि है हरिद्वार, और क्या लेट आई हैं बताओ, ऑन टाइम नहीं चली ट्रेन। दोस्तों अभी जो है हम आ चुके हैं हरिद्वार, और हरिद्वार में जो गंगा के किनारे हर की पौड़ी भी है जो कि बहुत लोकप्रिय है, मतलब लोगों के बीच में जानी पहचानी है कि भाई यहाँ पर जो है एक हर की पौड़ी है जो कि घाट है, यहाँ पर लोग नहाने आते हैं, और एक चंडी देवी मैया का मंदिर भी है जो कि मतलब लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि तो यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, और इस स्टेशन को 1899 में खोला गया था, और जो इसका डिवीज़न पड़ता है स्टेशन का जो डिवीज़न है वो मुरादाबाद डिवीज़न में पड़ता है, और यहाँ से जो निकलने वाली लाइन है वो लक्सर, दिल्ली और देहरादून, इन तीन जगह के लिए लाइन निकलती है, तीन क्या भाई सिंगल साइड आप मान सकते हो। तो 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी जो ट्रेन है उसने हॉर्न बजा दिया है डिपार्चर के लिए, और चलो देखते हैं यार, अभी थोड़ा अंधेरे का सीन आएगा तो बाकी मैं सोच रहा हूँ कि रुड़की डायरेक्ट मिले, कोशिश करते हैं अगर थोड़ा दिन हो जाए तो डायरेक्ट रुड़की मिलेंगे। और हमारा डिपार्चर हो चुका है, पाँच मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा जो डिपार्चर हो चुका है हरिद्वार रेलवे स्टेशन से, मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट रुड़की मिले, थोड़ा ठंड भी कम हो जाएगी और थोड़ा दिन भी हो जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी थोड़ा ऐसी फिर डल वीडियो आएगी, क्वालिटी भी सही नहीं आ पाएगी, तो चलिए ठीक है फिर मिलते हैं डायरेक्ट रुड़की। तो हरिद्वार से हो गया डिपार्चर, मिलते हैं डायरेक्ट रुड़की, बाय बाय हरिद्वार। क्योंकि देखो पैसेंजर्स को भी दिक्कत होती है, अभी ठंड का थोड़ा सीज़न है तो गेट खुला हुआ है, हवा अंदर जाती है, फिर पैसेंजर भी दिक्कत में मतलब कह देते हैं कुछ ना कुछ, तो इसीलिए अभी कोशिश करेंगे जितना भी सीन लेना होगा गेट अपना खिड़की से ले लेंगे, विंडो साइड मिली हुई है, अब गेट पर थोड़ा कम आऊँगा अभी रुड़की तक तो खासकर।
आ चुके हैं और यहीं सामने आने वाली है 14,888। ये जाती है बाड़मेर से ऋषिकेश। जो है हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है, नियर बाय लंदौरा और रुड़की आने वाले हैं। यहाँ लिए हमने चाय और एक सैंडविच जो कि हमें करीबन 40 रुपये का दिया है, एक चाय दी है, टोटल 50 रुपये का आइटम है। सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए लिया है। चलो ठीक है, नाश्ता पानी करते हैं और मिलते हैं डायरेक्ट रोड की। तो दोस्तों 93 किलोमीटर 14 मिनट की देरी से कवर करके हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है रुड़की रेलवे स्टेशन, जो कि इसका दूसरा हॉल्ट है। अभी पहले आ जाए, इसके बारे में थोड़ी सी ही जानकारी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अभी आ गए हम रुड़की रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों 14 मिनट की देरी से 93 किलोमीटर कवर करके हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है अपने दूसरे हॉल्ट रुड़की रेलवे स्टेशन। और बात करें यहाँ पे प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और ये जो रेलवे स्टेशन है मुरादाबाद डिवीज़न में आता है। ये एक छोटी सी इसकी जानकारी थी, बाकी तो अभी फॉग आप देख ही पा रहे हो, फॉग देख लो थोड़ा थोड़ा इधर में धुंध है और हमारी तरफ से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं 5 मिनट का होल्ड है अपने ट्रेन का, 2 मिनट का होल्ड है। सामने से कौन सी ट्रेन आ रही है, चक्कर है मैं 2 मिनट के लिए बाहर इसलिए नहीं गया क्योंकि हमारी जो को पैसेंजर है उनको भी परेशानी होती और लोगों को भी परेशानी होती है, देखो बार बार गेट खुलता है। मैंने चलो कोई बात नहीं, इसको हम खिड़की से ही कवर कर देते हैं। और ये जो सामने में ट्रेन आ रही है ये हमारी योगनगरी ऋषिकेश, उदयपुर से योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस और इस ट्रेन का नंबर है 19,609। हमारा भी डिपार्चर हो चुका है 2 मिनट के बाद। तो अभी आप जो दिन की क्वालिटी है, फिलहाल अभी बिल्कुल ताज़ा सुबह हुई है, तो अब आप जो क्वालिटी वगैरह देखकर बताना कि किस तरीके का ये जो मतलब कलर वगैरह दे रहा है, एक्चुअल में वो चीज़ होनी चाहिए या नहीं, मतलब सही लग रहा है नहीं लग रहा, सारा उस मेरे को आप बताना, आप कन्फर्म करके। सो बाय बाय उपनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस और रुड़की को भी बाय बाय। सामान सेंड कर देना।
भाई फॉग हो रहा है बहुत बढ़िया वाला। और अभी जो हम आ चुके हैं टपरी जंक्शन। तो दोस्तों ऑन टाइम जो है हमारी ट्रेन अपने तीसरे ऑल्ट पर आ चुकी है जो कि है टपरी जंक्शन। और यहाँ पर आप फॉग वगैरह देख लो कितना कैड़ा फॉग पड़ रहा है यार। अभी बीच में बंद हो गया था, कल भी इतना नहीं हो, मतलब हमारी साइड तो वैसे भी बंद था तुम्हारा फरीदाबाद बल्लभगढ़, और यहाँ से डिपार्चर रॉन्ग भी दे दिया है। बाकी बात करें यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर टोटल दो प्लेटफॉर्म है और वही सिंगल लाइन जा रही है सहारनपुर दिल्ली और देहरादून साइड के लिए। आने का टाइम इसका ऑन टाइम रहा है, यही एक छोटा सा अपडेट है इधर का। तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, टपरी से तो निकल लिए। बाकी एक दो हॉल्ट जो अभी हम स्किप करेंगे, मिलते हैं आपसे डायरेक्ट मेरठ सिटी। यही एक छोटा सा स्टेशन है। ये है दोस्तों जाती हुई ठंड, बच के रहना क्योंकि बीमारी अच्छी वाली लगाती है। तो जितना बच के रहोगे उतना फ़ायदेमंद होगा, बाकी आपकी इच्छा है। पेपर ने भी मॉइस्चर पकड़ लिया है, देखो एकदम ऐसा लग रहा है पानी में भिगा दिया हो। चलो ठीक है दोस्तों, टपरी से तो हो चुका है डिपार्ट, मिलते हैं डायरेक्ट मेरठ सिटी।
तो दोस्तों अपने तय समय से और 20 मिनट के देरी से हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है मेरठ सिटी जंक्शन, जहाँ पर कि इसका करीबन 2 मिनट का हॉल्ट था और अभी जो हॉन्किंग बज चुकी है, इधर से लोको पायलट ने हॉर्न बजा दिया है कि भाई सब चढ़ जाओ ट्रेन के अंदर, ज़्यादा नहीं रोक रहे। चलो कोई बात नहीं, बोर्ड हो गया अपनी ट्रेन में। तो यहाँ से जो निकलने वाली लाइन है वो है सहारनपुर, बुलंदशहर और खुर्जा, और यहाँ पर जो टोटल प्लेटफॉर्म है वो 6 प्लेटफॉर्म है। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन का जो डिवीज़न आता है ये न्यू दिल्ली में आता है। अब यहाँ से सब न्यू दिल्ली में ही आएंगे और सबके जो जोन होंगे वो नॉर्दर्न रेलवे होंगे। अमृतसर जंक्शन से चलकर अंबाला कैंट जंक्शन सहारनपुर मेरठ से हो चुका डिपार्ट सर, मिलते हैं डायरेक्ट गाजियाबाद जंक्शन और उसके बाद सीधा अपना दिल्ली, मुलाकात होगी आपसे गाजियाबाद। तो बिल्कुल ऑन टाइम जो है हम आ चुके अपने ट्रेन के आखिरी होल्ट, आखिरी तो नहीं है लास्ट सेकेंड होल्ट जो कि हमारा गाजियाबाद, इसके बाद ये लास्ट तिलक ब्रिज और रुकेगी और यहाँ से भी हमारा डिपार्चर हो गया। यार 5 मिनट भी पूरा नहीं रुका, 2 मिनट का होल्ट दिया और डिपार्ट कर दिया इन्होंने। एक प्यारे से कर्व के साथ हमारी जो ट्रेन है वो गाजियाबाद से अपना डिपार्ट ले रही है। बाकी अगर बात करें इस स्टेशन की तो क्या बताएं, बताओ। इस स्टेशन से जो है कानपुर, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद के लिए लाइन जाती है। ये थोड़ा वैसे मजाक स्वभाव में कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को गुस्सा आ रहा है। कम से कम 2 किलोमीटर पहले से और बिल्कुल धीमे धीमे इसको रन करा रहे हैं। और बात करें आप प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर जो टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से करीबन 3 से 4 लाख पैसेंजर जो है डेली सवारी करते हैं, मतलब डेली आना जाना करते हैं। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अब इसके फुल एंड फाइनल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तिलक ब्रिज वगैरह का झंझट ही छोड़ो।
और ये आ रही है सामने से नई दिल्ली सहारनपुर मेमू। नई दिल्ली से आनंद भी आ रहा है, ये कन्फर्म नहीं हुआ है, पर इतना है कि सहारनपुर जा रही है। तो दोस्तों 21 मिनट की देरी से हमारी जो ट्रेन वो आ चुकी है अपने आखिरी हॉल्ट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो यही थी हमारी एक छोटी सी जर्नी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी लाते रहेंगे ऐसे ही अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जर्नियाँ, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। वो क्या है ना, वीडियो में आवाज़ नहीं आ पाई थी इसीलिए मैंने यहाँ पर जो वॉइस ओवर कर दी है। तो ठीक है, मिलते हैं।